आगामी लोकसभा के पार्श्वभूमि पर इंडिया गठबंधन पूरे विपक्ष को साथ में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का भाजपा के साथ गठबंधन के आसार नजर आ रहे हैं। नीतीश जी पहले भी एनडीए में रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा उनका सम्मान किया है और मुझे नहीं लगता है कि वापस वो आने के मामले में जो पेशकश चल रही है अब उसमें विलंब होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ आरजेडी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं और एनडीए में आते हैं तो स्वागत है, बहुत अच्छा है, देश के भलाई के लिए, विकास के लिए आज मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों को सबने साथ देना चाहिए। इंडिया गठबंधन तो पहले से ही वो रुकावट वाला ही था, मतलब स्पीड ब्रेकर थे और वो स्पीड ब्रेकर में गाड़ी डिरेल होने वाली थी। देखिए, मैं नीतीश जी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इंडिया की जो बैठक, पहली बैठक में जो गया था मैं पटना, वहाँ ही नज़र आ रहा था कि कोई वो ठीक है, चलो आ गए हैं, बैठे हैं, गपशप मारो, फोटो खिंचवाओ, खाना खाओ, वापस जाओ, लेकिन कोई ठोस बात या किस मुद्दे पे केवल मोदी जी हटाओ ये मुद्दा नहीं हो सकता इस देश में। आपका क्या एजेंडा है, आप विकास कैसे करोगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश की समस्याएं हैं, देश का एक भविष्य है, ये सारी बातों को आप कैसे सुलझाओगे, बढ़ाओगे, ये बात होनी चाहिए। खाली मोदी जी हटाने के लिए आप अगर एक होते होंगे तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है, मोदी जी का जो काम है वो बोलता है, दिखता है, और इसलिए आज देश उनके पीछे दीवाना है। नहीं, अच्छा हो गया, क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत सालों से प्रलंबित था, कहीं ना कहीं असंतोष भी उसमें हो रहा था और स्वाभाविक है, कोई भी एक समुदाय को मतलब एक बार मिलने के बाद कोर्ट के मामले की वजह से वो वापस हो गया तो एक मन में बेचैनी तो होती है और समाज ने इस बार उसका कोई रास्ता निकाला, मतलब सरकार के माध्यम से, और सरकार ने भी एक अच्छे तरह से सभी को साथ में विश्वास में लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सरकार भी आज एकनाथ शिंदे जी भी, देवेंद्र जी, अजीत पवार जी, ये सब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मराठा आरक्षण का एक बहुत जटिल मामला जो था सबको समाधान करके उसको सॉल्व किया।